नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री वीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। तो मैं आज बनाने जा रही हूं सूजी का हलवा। आप बोलोगे कि सूजी का हलवा कैसे रोज रेसिपी में आएगा, लेकिन ये सूजी का हलवा जो है उसके अंदर अगर ये कोकोनट का मिल्क को आधा घंटा भिगो के रखते हैं तो ये खाने के लायक हो जाता है, मतलब कि कच्चा नहीं लगता है। हमने बहुत बार खाया है, इससे पेट में दर्द नहीं होता है। कोई ऐसा नहीं समझना कि इससे पेट में दुखेगा, लेकिन अगर आपको जो गलत खाया है उससे अगर दुखता है और फिर पका हुआ छोड़ देते हो, फिर ये अपक्व आहार पे आ जाते हो, तो आपको पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा। तो मैं आज ये रेसिपी के पहले 2 मिनट बात करना चाहूँगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी के, हिंदू के या कोई भी रिलेटिव से आप जुड़े हुए हो, रीजन से आप जुड़े हुए हो, तो पूरे महीने में 2 अग्यारस आती है। तो 2 अग्यारस का क्या महत्व है? तो जब भी 11 आए तो पेट को बिल्कुल खाली रखना है, मतलब कि निर्जला फास्टिंग करनी है। अभी 2 दिन पहले ही ये भीम 11 आई थी। आपने सुना होगा कि भीम 11 को निर्जला एकादशी भी कहते हैं, तो उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर साल भर की कोई भी 11 आप नहीं करते और लेकिन ये जो 11 है वो आप निर्जला करते हो तो बहुत ही पुण्य मिलता है। वैसा धर्म ग्रंथ में सब जगह पे पढ़ा है, लिखा है, मैंने सुना भी है, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा नहीं है कि पूरे साल में सिर्फ एक निर्जला भीम एकादशी कर लोगे तो चलेगा। हर महीने में 2 बार 11 आती है, मतलब कि एकादशी आती है। तो हर महीने की दोनों एकादशी अगर करते हो तो 12 महीने में 24 बार आपका पेट खाली हो जाएगा, मतलब कि 24 बार अगर आपने एकादशी कर ली। एकादशी मतलब निर्जला, मतलब ड्राई फास्टिंग। कोई बोलेगा कि ग्रीन जूस पी सकते हो? नहीं। नींबू का जूस पी सकते हो? तो नहीं। क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ ऑन एयर, मतलब कि सिर्फ हवा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आप निर्जला एकादशी कर पाओगे। हमें भी पहले ऐसी आदत नहीं थी, हमें भी किसी ने ऐसा सिखाया नहीं था, लेकिन जब से बीवी चौहान साहब हमारे गुरु बने हैं, उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, जो स्वस्थता का रास्ता है, जो ज्ञान का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, ये न्यू डाइट सिस्टम है। इसमें बहुत चमत्कार है। ये सिर्फ बीमारी भगाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी जीना सिखाती है, हमें खुश रहना सिखाती है, हमें बहुत ही स्वस्थता और बहुत ही प्रेम मिलता है। देखो, मैं पहले 3 टाइम खाती थी, 4 टाइम खाती थी, घर पे बहुत सारे फरसान बना के खाती थी, तब तो आपसे मुलाकात नहीं हुई। जैसे ही मैंने ये चौहान साहब को मेरे गुरुजी बना लिए, उनके रास्ते पे चली गई, तो आप सबका प्यार मिल गया। इतना सारा प्यार मिला है कि मेरा दिन कहाँ चला जाता है वो भी नहीं पता चलता है। बाकी औरों को तो ऐसा होता है कि ये कब दिन हुआ, कब रात होगी, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, ये सारी बातों में पूरी जिंदगी उलझन में पड़ जाती है। इससे तो अच्छा है न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर लो, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो निर्मल हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह, झरने की तरह बहता रहता है। तो आज मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, उसकी मैं फिर 2 मिनट बात करूँगी। आप बोलोगे कि रेसिपी कब बताएंगे, लेकिन मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जब तक आपसे बात ना करूँ चैन नहीं पड़ती है। तो सत्यनारायण की कथा के बारे में आपने सुना होगा, तो सत्यनारायण की कथा में सूजी का हलवा सबसे पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। तो उसमें 5 अध्याय आते हैं, पहला अध्याय, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय, फिर चौथा अध्याय, फिर प्रसाद लावो, फिर आरती करो और फिर श्री सत्यनारायण देव की जय, ऐसे करके सब प्रसाद लेते हैं और फिर घर जाते हैं।
तो ये जैसे वो सत्यनारायण की कथा में सूजी का हलवा का प्रसाद है, वो जितने के मुंह में जाए उतना हमें पुण्य मिलता है, तो वैसे ही ये जो मेरे 5 अध्याय हैं, वो अगर मेरी वीडियो को आप 50 लोगों को भेज दो या 500 लोगों को भेज दो, तो श्री सत्यनारायण देव की जय। मतलब कि आपका भी भला, मेरा भी भला, जो देखे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला। तो ये 5 अध्याय क्या है? तो 5 अध्याय मतलब कि हमारा शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, तो 5 अध्याय हो गया। सबसे पहले उठने के बाद और आकाश तत्व रखना है, कुछ नहीं देना है। फिर वायु तत्व देना है, मतलब ग्रीन जूस पीना है। फिर अग्नि तत्व मतलब फल खाने हैं। फिर जल तत्व तो सलाद खाना है। और पृथ्वी तत्व, तो अगर आप कच्चे आहार पे हो तो पृथ्वी तत्व में कुछ भी ये सब ले सकते हो, जो मैंने सुबह से शाम बताया है वो, उसमें कंदमूल भी ले सकते हो आप, तो ये सब पृथ्वी तत्व है। और अगर आपको पका हुआ खाना हो तो रोटी सब्जी खाओ या दाल चावल खाओ, तो ये पृथ्वी तत्व हो गया। तो ये 5 अध्याय हो गए। तो बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। तो आज हम चालू करेंगे ये हमारा सूजी का हलवा। तो उसके लिए जैसे सूजी का हलवा में हम बहुत सारा दूध डाल देते थे, तो वो डेयरी प्रोडक्ट थी और वो एनिमल प्रोडक्ट थी। अब हमें एनिमल प्रोडक्ट छोड़ देनी है, अब हमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं खानी है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है, खुश रहना है। तो हमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। परमात्मा ने बहुत अच्छा ये श्रीफल बनाया है, एकदम फ्रेश है, तो इसका मैं दूध निकाल लेती हूँ। तो ये पूरा का पूरा एक श्रीफल है, तो मेरे घर में हर रोज एक या दो श्रीफल तो यूज होते ही है, तो आप भी वैसे ही चालू कर दो, आपके घर में भी हर रोज श्रीफल का कुछ ना कुछ बनाना चालू कर दो। तो ये एक श्रीफल है, मैं उसका दूध निकाल रही हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा निकाल देती हूँ, फिर पानी आएगा तो तकलीफ पड़ेगी। ये जो पानी है वो थोड़ा सा पहले ऐड करना है, फिर ज्यादा ऐड करना है, नहीं तो जो जो श्रीफल है वो साइड में चिपक जाते हैं और पानी ही सिर्फ घूम रहा है। तो मैं थोड़ा सा पानी करके पहले चर्न कर लेती हूँ। हम बाहर की दुकान में दूध लेने जाते हैं और वापिस आते हैं, उतनी देर में तो घर पे ही ये फ्रेश श्रीफल बन जाता है। तो आप भी डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि घर का फ्रेश दूध पीजिए। ये मेरी छन्नी है, इससे मैं दूध छान लेती हूँ, कितना फ्रेश है ये। कितना पहले जब भी हम सत्यनारायण की कथा करते थे तो 5 या 6 लेडीज इकट्ठे होके 50 लोग का सूजी का सीरा बनाते थे, 2 घंटे लग जाते थे। ये देखो 5 मिनट में हो गया है। हम कितनी मजदूरी करते थे, इतना नहीं समझते थे। ये सारा का सारा ज्ञान मुझे हमारे बीवी चौहान साहब ने दिया है, उनको मैं जितना नमन करूँ, जितना वंदन करूँ, उतना कम पड़ता है। तो अगर उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है तो मैं ये सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रखती हूँ, आपको भी बांट रही हूँ। वैसे ही आप भी हमें मदद कीजिए, मेरी जो वीडियो है वो आपके मोबाइल में जितने भी सदस्य हैं वो सबको फॉरवर्ड कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके भाई कोई ठीक करना है या मेरी बहन कोई ठीक करना है या आपके काका मामा अंकल को ठीक करना है या मेरी मामी आंटी को ठीक करना है, ऐसा नहीं है। ये पूरे विश्व को हमें मेडिसिन फ्री बनाना है। तो दुनिया में जितने अंकल है, जितने आंटियां है, जितने भाई है, जितनी बहन है, जितनी बेटियां है, जितने बेटे हैं, वो सभी को हमें स्वस्थ रखना है। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मेरी वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि सच्चा आहार क्या है, कच्चा आहार क्या है, और स्वस्थता के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आहार ही लेना है,
हो सके तो शाम का भी डिनर स्किप कर दो और ऐसा सूजी का सिरा बना के पेट भर के खाओ। इससे वेट बाहर भी नहीं आएगा और इससे वेट ज़्यादा भी नहीं होगा। तो देखो मैं बात करती थी तब तक तो ये पूरा का पूरा दूध भी जो है वो पूरा बाहर आ गया छन्नी में से। तो इसको मैं सब निचोड़ के ले लेती हूँ। अगर आपके पास एक कप दूध हो एक कप सूजी हो तो उसमें दो कप दूध डालना पड़ेगा। तो एक जो ये कोकोनट एक जो है उसमें से दो कटोरी दूध अच्छी तरह से आसानी से निकल जाता है। तो ये माप भी आपको ध्यान रखना है कि जितना आप सूजी लेते हो उससे दुगुना आपको ये कोकोनट का मिल्क लेना है। तो ये देखो मैंने छान लिया है, तो ये कोकोनट का मिल्क मैंने छान लिया है। लेकिन ये ज़्यादा है कि कम है वो कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे आटा डालेंगे वैसे वैसे उसको अंदर ऐड करना है। तो मैं पहले ये जो मिल्क है वो थोड़ा सा निकाल देती हूँ, अगर बहुत ढीला हो गया तो फिर से सूजी डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कोकोनट में से ज़्यादा मिल्क निकलता है, कभी कभी कोई पतला निकलता है, कभी बड़ा होता है श्रीफल, कभी छोटा होता है, तो इसके ऊपर डिपेंड है, तो रिस्क नहीं लेना है हमें। तो इसके अंदर ये जो दूध है इसके अंदर मैं सूजी डाल रही हूँ। ये 200 ग्राम सूजी मैंने ली है, बिल्कुल कच्ची है, मैंने इसको सेका भी नहीं है, कुछ गर्म नहीं किया है, जैसे मार्केट से लाते हैं वैसी की वैसी सूजी है। तो ये मैं 200 ग्राम इसमें धीरे धीरे ऐड करती हूँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। और इसको हाफ आवर मतलब आपको जब भी खाना हो उसके आधे घंटे के पहले बनाना, तो क्या होगा कि ये जो पानी मतलब कि दूध है वो सारा सोख लेगा और ऐसे ही सीरा जैसा बन जाता है, मतलब कि हलवा जैसा बन जाता है। थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, ये जो सूजी है वो बहुत पानी सोख लेगी, लेकिन 5 मिनट के बाद पता चलेगा कि कितना दूध सोख लिया है। जैसे हम अभी तक वो डेयरी प्रोडक्ट वाला दूध डालते थे वैसे अभी ये मैंने कोकोनट का दूध डाला है। धीरे धीरे जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर में वैसे तो हम चीनी डालते हैं जो गैस पे उबाल के सत्यनारायण की कथा में जो बनाते हैं, लेकिन मैं चीनी नहीं यूज़ करती हूँ, उससे बहुत वाइट सीरा बनता है वो अलग बात है, लेकिन हेल्दी सीरा की ज़रूरत है हमें। आँख को अच्छा लगे या ना लगे पेट को हेल्दी लगना चाहिए। तो ये मैंने 200 ग्राम ऑर्गेनिक गुड़ लिया है वो मैं अंदर डाल रही हूँ। वो भी आप अगर ज़्यादा डालना हो तो टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हो। इसको भी थोड़ा थोड़ा हिलाओगे तो ये पिघल जाएगा सारा का सारा। ये जो है वो काजू है वो वैसे तो मैं गार्निश के लिए ऊपर डालूंगी, लेकिन अंदर भी डाल रही हूँ ये थोड़े से टुकड़े। ये किशमिश है मतलब कि सूखी द्राक्ष, मुनक्का भी कहते हैं, वो मुनक्का भी मैं 5 या 6 नंग इतना डाल रही हूँ। और ये जो है वो इलायची का पाउडर है, ये इलायची का पाउडर से बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अगर ज़्यादा खाना खा लिया हो और लास्ट में आपको ऐसा हो कि बहुत अकड़ामण हो रही है, मतलब कि पेट में बहुत ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा खा लिया, तो अगर मुंह में एक इलायची रख के आप 1 घंटा रखोगे तो मुंह में जितना भी खाना है उसको भी रिलैक्स हो जाएगा। तो ये मैं आधी चम्मच ये इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इसको 5 मिनट तक हलाना है ताकि जो सूजी है वो सारा का सारा पानी सोख लेगा। तो जितना भी मेरे पास मिल्क था उसमें से मैंने आधा निकाल दिया था। आप भी ऐसा ही करना, जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे डालना है, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा और हमारे पास गैस है नहीं, उसको उबालना है नहीं,
तो ये अभी 5 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम थिक हो गई है। तो मैं इसके अंदर ये जो अभी भी ये जब भी खाने बैठेंगे 10 मिनट के बाद तो ये जो है वो थिक हो जाएगा थोड़ा सा। और इसके अंदर मुनक्का है, ड्राई फ्रूट है, बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा सोचना भी नहीं है कि कच्ची सूजी कैसे खाएं या इसको खाएं कि ना खाएं। एक बार पहले बना के देखना, चाहे 50 ग्राम का भी बना के देख लो या 100 ग्राम का भी बना के देख लो, लेकिन एक बार बना के देखना। तो ये जो फिर से इलायची का पाउडर है वो मैं गार्निश के लिए ऊपर रख देती हूँ। ये जो मुनक्का है वो भी मैं यहाँ पे साइड में थोड़े रख देती हूँ। ये जो किशमिश है वो भी बहुत हेल्दी होती है, इसको भी कभी कभी खाते रहना चाहिए। कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ अच्छा लगता है ये। सूजी है उसको गर्म नहीं करना है, किसी भी चीज को गर्म नहीं करना है। ये काजू है ये मैं ऊपर रख रही हूँ। तो देखो ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो गार्निश भी हो गया है। और मैं इसको अभी चखती हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे बात कर लूँ, फिर मुँह में इतना पानी आ जाता है बात नहीं कर पाती हूँ मैं। तो आपको ये रॉ रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। सुबह में 10 बजे से 12 बजे के बीच में डिशेस के बारे में कुछ भी पूछना हो तो बात कर सकते हो मुझसे। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। आभार, प्रणाम, बाय, थैंक यू। और पहले मैं ये चख लेती हूँ, फिर मैं आपको बाय बाय बोलती हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। बहुत टेस्टी है, लेकिन बनाने के आधे घंटे बाद खाना, ताकि सूजी जो है वो फूल जाए, उसके अंदर कोकोनट का मिल्क पूरी तरह से मिल जाए, जो गुड़ है वो भी अंदर पिघल जाए, फिर बहुत ही टेस्टी है। सच में ये यम्मी है। आज मैं प्रसाद भगवान को ये भी धराने वाली हूँ। आप भी ये बनाइए, कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।